बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक हैं। आप सब बहन भाइयों की दुआ है, जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए, जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साली औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज करते हैं। ये देखिए, आज मेरे बच्चे ऊपर आए हुए हैं और ये है जान साहब। आज संडे का दिन है और मैं तो सिर्फ अपनी भावनाएं बता, और बच्चे घर पे ही हैं, छुट्टी है। और व्लॉग हमने आज काफी देर से स्टार्ट किया है, क्यों उसके लिए माजरत, लेकिन काम तो करना था। मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से भी शेयर कर लें कि हमने क्या करना है। अभी सिर्फ हमने नाश्ता वगैरह किया है, अभी काम वगैरह करने हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे, कपड़े मैंने धो के डाल दिए थे सुबह सुबह ही। अच्छा। क्योंकि इनके यूनिफॉर्म भी थे तो जो पड़े हुए थे वो भी मैंने सोचा कि वो भी धो के डाल दूं। तो अभी जो भी करेंगे आपसे शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ इफत से। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं तो ठीक होंगे। जहाँ मेरा खुश आबाद है, हंसते हम सुलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। आपसे फिर मेरी दुआ है। अभी हम आए हैं ऊपर क्योंकि हमने आपके साथ अपनी चीजें शेयर करनी थी, इसलिए हम ऊपर आए व्लॉग बनाने। और ईमान क्या कर रही है? ईमान क्या कर रही हो? ये मैंने गमले मंगवाए थे, ये उनके साथ खेल रही है। ये खेलने वाली चीज है। ये है एनी। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कहूँ मैं इसको? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जनाब? ठीक। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। ऊपर से हम नीचे आ गए थे, अब हम आपको दिखाते हैं कि इफ़त क्या कर रही है। इफ़त क्या कर रही है? मैं बेड ठीक कर रही हूँ। ये बेड तो नहीं है, सैटरडे को ब्लू। ये बेड तो नहीं है। सॉरी, हमने देखे फ्रेंड्स, हमने सुबह लगाया था ब्लू। सॉरी, हम माजत करते हैं, सैटरडे को लगाए थे पर हमारे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए हम व्लॉग नहीं बना पाए। ये क्या किसी की बर्थडे थी? नहीं, ऐसे नॉर्मल टाइप के लिए बनाया था। वैसे जिनके पास पैसे थे तो उन्होंने पैसे जाया करने थे, बलून लेके आए हैं तो चार पाई पे फुला के रख दिए हैं। तो फिर मैंने इनको लगा के दिए ये सारे कमरे में। वो शीशे में लगाए, कुछ फट गए हैं, खड़े खड़े फट जाते थे रात को ऐसे जैसे हम डाले। मम्मा उसके बगैर चली गई है। वो जान का एरोप्लेन खड़ा हुआ है, पैरस की गैस निकल गई है। ये इधर इफ़त किया है ये। अभी हमने कमरा सेट कर रहे हैं। ये जान साहब, हाँ वो ग्रीन है, वो किसका है? ईमान का क्या है? एनी का। ईमान का फट गया था। अभी हम आपको बाहर से भी दिखाते हैं। बर्तन वगैरह धो दिए थे या कुछ पड़े हुए, जब भी कोई नाश्ता कर रहे हैं कुछ। क्या लगा के दूं? तुझे हर वक्त कार्टून का ही काम है। कौन से? विक्की विलाद। हाँ, वो लगा के दूं। क्या कर रही हो एनी? क्या कर रही हो? खाना खा रही हो? अभी हम उनको देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, नमाज पढ़ने गए हैं कि नहीं। ये क्या, ये तो सो रहे हैं। ड्रामे कर रहे थे? नमाज पढ़ने क्यों नहीं गए? चलो नमाज पढ़ने, चलो मेरे बच्चों शाबाश। घर पे चुड़ैल लग रही हो। अब हम आपको मिलाते हैं अपने नाना अब्बू से। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है नाना अब्बू? ठीक ठाक बेटा। और सब ठीक है? शुक्र अल्लाह का। वो मेरी मम्मा और नाना बैठी हुई हैं। ठंड लग रही है आप लोगों को? अच्छा, ये देख रहे हैं टीवी।
ये है कमरा मेरी अम्मी का। इधर कौन है? ये मेरी छोटी सी सिस्टर है। ये क्या देखने आई हो इधर? कौन आया? अबू आया। मैं ब्लॉग काफी देर से शुरू कर रही हूँ दोबारा फिर से, क्योंकि मेरे शौहर जी घर पे नहीं है, तो मैं बहुत बोर हो रही थी, इसलिए अभी मैंने सोचा और तो कुछ करने को है नहीं तो मैं ये काम कर लूँ। हम आपको दिखाते हैं कि हमने खाने में क्या क्या बनाया। अभी मजा आएगा ना। ये मैंने बनाए थे आलू शोरबे वाले, इस पतीली में है चावल जो के मेरी सिस्टर ने बनाए हैं आयजा ने, और वो बैठी हुई है वो। हेलो आयजा, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या कर रही हो? क्या देख रही हो? खाना बना लिया? बना लिया, मैंने ये पूछा। अच्छा, क्या बनाया? ये देखे, इनको मैंने बोला है कि नमाज पढ़ने जाओ और ये उल्टे काम कर रहे हैं, बलून फाड़ी जा रहे हैं, जो लगाए थे ना वो फाड़ी जा रहे हैं, पैसे जाया कर रहे हैं पागल। ये क्या हो रहा है? बलून फाड़ने की फाड़ी आ रही है। मैं एक बलून देना। क्या चीज़ वाले फाड़ने? दो। क्या वाले फाड़ने? ओ। मम्मा। पकड़ लो। इनके काम से। ये पागल हो गए हैं। बात देखें। मम्मा ये कौन था? नहीं पढ़ रहा यार। मैं कौन था आते दे? मुझे भी कह रही है, मुझे भी तार करो। यानी ऐसे फटेंगे? देखे, मैंने अभी कमरा समेटा, चादर वगैरह झाड़ी, इन्होंने फिर कचरा कर दिया। ये इस तरह से उल्टे काम करते हैं। अब हम आपको वो शीशे के आगे लेके जाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं। मैं हूँ वो, देखें वो ऊपर उड़ गया। मुझे नहीं पता। पागल हो गए, पागल सारे। तुम दोनों क्या कर रही हो? बांधा हुआ है वो ना, गिरा देना वॉच। अब नमाज पढ़ने जा रहे हो कि नहीं? चलो। गुब्बारा क्या होता है? काम में बैठी हुई आया नहीं लेने? नहीं। ये देखो बेचारी तैयार होकर बैठी, महरूम सूट पहना हुआ है, तैयार होकर बैठी हुई है, लेकिन इसको लेने नहीं आया। तुझे मैं कब से बोल रही नमाज, चल वजू कर चल के। ये देखो ये इफ्फी है, ये चुड़ैल बनी हुई है, ये अपने सर से जुमे नहीं गा रही, ईमान के ड्रामे देखे। चावल मैंने तो नहीं बनाए। चलो यानी आप क्या कर रही हो? मेकअप कर रही हो ना? ये बाबा वीडियो भी देखेंगे, फिर आपकी पिटाई भी करेंगे। बाबा डांटते हैं ना, इसकी भी करेंगे। ये जो बैठी हुई है यहाँ पे, और ये देखो ये भागती ऐसे हैं कैमरे से, वो देखो उसने मुंह ही उधर कर लिया, जैसे पता नहीं क्या चीज आ गई है।
ईमान ये क्या हो रहा है? ये ना ऐसे करते हैं, ये पता कहाँ से लगाते हैं? 5 रुपए का सिक्का चुड़ैल लग रही है पूरी की पूरी। ये कोई कहने वाली बात है, चुड़ैल चुड़ैल ही होती है। खुद के बारे में इसको बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या चीज। ये अपनी मामी के कमरे में आए हुए हैं, मामी जी इनकी गई हुई है अपनी मम्मा के घर, और ये आके उनकी चीजें छेड़ रहे हैं, और ये वीडियो वो भी देखेंगी तो आके बताएंगी इनको। वजह भी बताओ बोलने की ना बोलने की। जनाब जी इधर कहाँ आ रहे हो? भाई जाके नमाज पढ़ो चलो। आप भी तशरीफ लेके चलो। ये रखिए क्या बात है। चलो गाइस ये देखो ईमान के फेस पे क्या कहना गाइस को। हम ईमान के फेस पे कुछ बना रहे हैं, हमने अपना मेकअप किया, हम इसका मेकअप खराब करेंगे ताकि ये दोबारा मेकअप ना करे। ओके चलो देखो। मुझे तो करना ही नहीं आता। ईमान मेकअप करके दिखा रही है। ये कहाँ पे लगाते हैं? ये देखिए इसको सब कुछ पता है। ये इधर लगाते हैं? आंखों पे नहीं लगाते, पाँव पे भी नहीं लगाते। देखे ईमान मेकअप कर रही है, चेक करें। ये देखे मेकअप पर ही आ रही है कब से, धुलाई करनी है आपने आके। मैंने तो नहीं करना है, मेरे पास लेके आई है कि ये ले आप भी करें। और ये इस वक्त लग कैसी रही है, चुड़ैल सी? नहीं ये बहुत गंदा है, ये नहीं आप ले सकते। नमाज पढ़ रहा है, ये पढ़ भी पढ़ेगी, ये ईशा की नमाज पढ़ रहा है। आपको तो बाबा बताएंगे आके, अभी वो देखेंगे ना वीडियो, देरी धुलाई भी करेंगे आके। ये अब उतारने जा रही है मेकअप। ये मेकअप उतर रहा है? इधर देखो, इधर ही खड़ी हो मानो। मैं आपसे रात की रूटीन शेयर कर रही थी तो वो देखो जान सो गया, इफ्फत भी सो रही है, सोई नहीं है अभी तक, लेटी हुई है, वैसे सोने वाली है। ईमान भी अभी ये टीवी देख रही है, इधर ये आनी पड़ी हुई है, ये भी सो रही है लेटी हुई है। और मैंने सोचा कि मैं यूनिफॉर्म प्रेस कर दूं, फाइनली अब मैं करने लगी हूँ यूनिफॉर्म प्रेस अपने बच्चों के और अपने हस्बैंड जी का। हस्बैंड जो जो मेरे हैं वो अभी तक आए नहीं हैं, मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सो जाऊँ तो फिर आ जाते हैं तो फिर उठना मुश्किल हो जाता है। उठ तो मैं जाती हूँ,
उनका पता लग जाता है मुझे जब वो आते हैं, तो बिमोनी का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए खैरियत से। वो शहर से बाहर गए हुए थे, तो दुआ कीजिएगा और मैं भी करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको अपनी जमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे, वो खैरियत से घर आए। और उसके बाद बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करके फिर मैं इनके जूते वगैरह साफ करूँगी, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है इन्होंने, तो सुबह सुबह फिर मुश्किल हो जाती है, सारे काम एक ही साथ करने हैं ना, इसलिए मैंने कहा कुछ जो करने वाले हैं वो कर लूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे सिंपल घराने को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलना। बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।